हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर फिजिक्स केवी। इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे अ फ्यू इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, देन वी नो दैट द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर विच वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। नाउ क्वेश्चन वन सेज, अंडर वट कंडीशन इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम सेकेंड मिनिमम। किस कंडीशन में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, वो चार्ज पार्टिकल जो एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, देन द फोर्स इज गिवन बाय क्यू वी बी साइन थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। रिमेंबर दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो मैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी वन, देन द फोर्स विल बी मैक्सिमम। और साइन थीटा वन कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा। सो फोर्स मैक्सिमम विल बी क्यू वी बी, वेयर थीटा इज इक्वल, साइन थीटा इज इक्वल टू वन, और वी कैन से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम फोर्स, दैट इज द एंगल बिटवीन वी वैक्टर एंड बी वैक्टर इज 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, उस केस में हमारी फोर्स मैक्सिमम लगेगी। सो दिस वॉज पार्ट ए। अगर हमसे पूछा जाए मिनिमम फोर्स कब लगेगी, देन एफ मिनिमम विल बी जीरो, और वो तब होगा जब हमारा साइन थीटा जीरो होगा। और साइन थीटा जीरो कब होता है, इधर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब वी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो या तो 0 डिग्री होना चाहिए या 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हमारा चार्ज पार्टिकल या तो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, या फिर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। इन दैट केस द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी मिनिमम। सेकेंड क्वेश्चन सेज, स्टेट द कंडीशन अंडर विच अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी वी गोज अनडिफ्लेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। हमें वो कंडीशन बतानी है जिसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव करा विद वेलोसिटी वी वेक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और उस वो अनडिफ्लेक्टेड जाता है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, जीरो। अगर फोर्स लगती तो वो डिफ्लेक्शन होती, हमें डिफ्लेक्शन दिखती। यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रही है, इसका मतलब इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है वो जीरो है। इसका मतलब क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है चार्ज पार्टिकल है, क्यू जीरो नहीं हो सकता, वेलोसिटी है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, क्या जीरो होना चाहिए, फिर साइन थीटा जीरो होना चाहिए। इट मीन्स थीटा हैज टू बी 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मतलब अगर हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, लेट अस सपोज अगर ये चार्ज पार्टिकल इसके पैरेलल मूव कर रहा है या फिर इसके एंटी पैरेलल मूव कर रहा है, इन दैट केस इट विल गो अनडिफ्लेक्टेड, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। A beam of alpha particles projected along plus x axis experience a force due to magnetic field along plus y axis. What is the direction of magnetic field? यहाँ पर मैंने coordinate system show किया है, this is my origin. Alpha particles जो होते हैं they are positively charged particles. वो helium का nucleus होते हैं and nucleus is always positively charged. वो alpha particles कहाँ move कर रहे हैं, they are moving along plus x axis. लाइक दिस, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग प्लस वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन में उनके ऊपर लग रही है हम फोर्स। हमें बताना है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। मैंने आपको बताया था इसके लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हम थंब पे लिखेंगे एफ, फोर फिंगर पे लिखेंगे एम एंड मिडिल फिंगर पे लिखेंगे सी, फादर मदर चाइल्ड।
तो अब हम बता सकते हैं यही लेफ्ट आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है इसके ऊपर। अगर आप इस डायरेक्शन में थंब रखते हैं और इस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखेंगे जहां पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो हमारी जो फोर फिंगर है दैट विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, ये आप यूज करके देख सकते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये हमारी है माइनस जेड एक्सिस। हेयर यू कैन पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स और आप अप्लाई कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और आपको पता चलेगा दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द माइनस जेड एक्सिस। सो दिस इज माई आंसर। मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेक्टेड अलोंग प्लस एक्स एक्सिस एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग प्लस वाई एक्सिस, वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड के काफी सिमिलर है, मैंने सिर्फ एक चीज चेंज करी है यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स की जगह रखा है इलेक्ट्रॉन्स को, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं लाइक दिस। सो दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, बिकॉज करंट इज टेकन एज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रखी है, तो करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, करंट इज ऑलवेज टेकन एज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है प्लस वाई एक्सिस के अलोंग, हमें बताना है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी। फॉर दिस अगेन वी आर गोइंग टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप थंब रखते हैं इस डायरेक्शन में इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड योर मिडिल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आप देखेंगे कि हमारी जो फोर फिंगर है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर है वो कहाँ पॉइंट करेगी, जेड एक्सिस के अलोंग। ये हमारे लेफ्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड एक्सिस के अलोंग आ रही है। आप पॉज कर सकते हैं और यही रूल अप्लाई करके देख सकते हैं, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग प्लस जेड एक्सिस। द सिक्स्थ क्वेश्चन सेज टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मासेस एम एंड 2m हैविंग चार्जेस क्यू एंड एंड 2q रिस्पेक्टिवली, बोथ दीज पार्टिकल्स मूविंग विद वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, एंटर द सेम मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग नॉर्मली टू द डायरेक्शन ऑफ देयर मोशन। इफ द टू फोर्सेस इफ एफ ए एंड एफ बी एक्टिंग ऑन देम आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं ए और बी, ए का मास है एम और बी का मास है 2m, ए के ऊपर जो चार्ज है दैट इज क्यू एंड बी के ऊपर जो चार्ज है दैट इज 2q, वो दोनों v1 वेक्टर और v2 वेक्टर वेलोसिटी से एंटर करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो है लेट अस सपोज वो इनवर्ड्स है, तो v1 वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम एंगल बना रहा है, उतना ही एंगल बना रहा है जितना v2 वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है। तो इसमें लिखा है नॉर्मली, नॉर्मली मतलब v1 वेक्टर और b वेक्टर में एंगल 90 डिग्री है, सिमिलरली v2 वेक्टर और b वेक्टर में एंगल भी 90 डिग्री है। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स और उन फोर्सेस का रेशियो दे रखा है हमें fa वेक्टर डिवाइडेड बाय fb वेक्टर, इट्स नॉट वेक्टर क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, बेसिकली fa और fb का जो रेशियो है दैट इज 1:2, हमें बताना है कि उनकी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज क्या है। सो कैन आई राइट fa क्या है हमारा q1 v1 b एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन v1 एंड b, यहाँ पर मैंने बताया था कि v1 वेक्टर और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, सो साइन 90 इज 1, आई कैन नॉट राइट, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ साइन 90। सिमिलरली फोर्स ऑन b पार्टिकल इज इक्वल टू q2 v2 b, अगेन यहाँ पर भी थीटा जो है वो 90 डिग्री है, सो साइन 90 इज 1। What is the charge on first particle? Q, velocity is V1 and the magnetic field in the region is B. यहाँ पर charge particle के ऊपर charge है 2Q,
velocity is v2 and the magnetic field is again b. दोनों सेम ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं. नाउ एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी वन बी अपॉन टू क्यू वी टू बी. यहां से q से q gets cancelled, b से b gets cancelled. Now this ratio is equal to, question के according हमें दे रखी है 1:2. इसका मतलब v1 upon v2, can I write it as 2 upon 2? अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो it means v1 upon v2 is equal to 1. Or we can say v1 is equal to v2, यानी कि दोनों की velocities का magnitude same है. So the ratio of their velocities is 1. Let's come to 7th question now. When a charged particle moving with velocity v is subjected to a magnetic field b, the force acting on it is non-zero. Would the particle gain any energy? Question कह रहा है कि अगर एक charged particle है जो v velocity से move कर रहा है, उसको हम b magnetic field में ले आए, तो उसके ऊपर जो force लग रही है, that force is not equal to zero, वो non-zero है. तो क्या इसे हम इस infer कर सकते हैं कि particle कोई एनर्जी गेन नहीं किया? वुड द पार्टिकल गेन एनी एनर्जी? क्या पार्टिकल कोई गेन एनर्जी गेन करेगा या नहीं करेगा? फ्रॉम दिस रिलेशन मैं एक चीज तो बता सकती हूँ कि मेरा एफ वेक्टर वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है और एफ वेक्टर बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है. ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. नाउ अगर एक चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी. और हमें पता है अगर डिस्प्लेसमेंट और एफ वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है देन द वर्क डन विल बी जीरो, सिंस वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dx वेक्टर और cos थीटा. यहां पे cos क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. आई कैन राइट एफ dx cos 90 डिग्री बिकॉज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड डीएक्स वेक्टर इन दिस केस इज 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज जीरो. सो द वर्क डन इन और वी कैन से द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है यहां पर और यहां पर वर्क डन जीरो आ रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड ने कोई काम नहीं किया तो क्या पार्टिकल कोई एनर्जी गेन करेगा? ऑफकोर्स नो. सो द एनर्जी गेन बाय द पार्टिकल विल बी जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोई काम ही नहीं कर रही है. द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. मैग्नेटिक फील्ड का काम खाली यही है कि वो डायरेक्शन चेंज कर देती है, बट एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. वो पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करती, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ाती है, वो सिर्फ उस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देती है. दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू एनी वर्क ऑन a moving charged particle. So I hope this worksheet is clear to you. That's all for now.